देश में कोरोना महामारी के कारण जहां छात्रों के भविष्य को लेकर अभिभावक चिंता में डूबे हुए हैं, वहीं पर केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 12वीं की परीक्षा के डेट शीट जारी कर दी। डेट शीट के विरोध में छात्रों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर मांग की है कि बच्चों को बिना परीक्षा के पास किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट वीरवार को फैसला सुनाएगा। इस संदर्भ में अर्थ प्रकाश के कार्यक्रम मुद्दा चर्चा में है। चंडीगढ़ के जाने माने विद्यालयों में पहुंचकर अर्थ प्रकाश टीम ने वहां से प्रधानाचार्य से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया ली। देखें स्कूल पे ये खास रिपोर्ट। मुद्दा चर्चा में है। अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, आपका स्वागत है मुद्दा चर्चा में है प्रोग्राम के अंतर्गत। आप जैसे आपको पता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, और आज का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो ये है, कल 12वीं का फैसला आ रहा है कि परीक्षाएँ होगी कि नहीं। रखेगा और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर। और हमारे बीच में गिरीश सचदेवा जी जो प्रिंसिपल हैं मॉडर्न वेस मॉडल स्कूल के, हमारे बीच में मौजूद हैं। गिरीश सचदेवा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा चर्चा में के अंतर्गत, और हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये फैसला आ रहा है 12वीं के जो स्टूडेंट्स की परीक्षाओं का कि होगा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट कल ये फैसला देगा, एक ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पर चल रहा है, इसको आप कौन सी दृष्टि से देखते हो? मेरे हिसाब से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, नहीं तो जो कंपटीशन है जितनी उनकी 2 साल की मेहनत है वो ज़ीरो हो जाएगी। वो एक उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम रोकने का। चाहे 4 बच्चे एक रूम में बैठें, एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। बिना एग्ज़ाम के हमें नहीं पता कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा, आपने अभी बहुत मेन अपने विचार रखे कि एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन जो पेरेंट्स का तर्क है कि कोरोना कोविड-19 का इन्फेक्शन होने का डर रहता है, ऐसे प्रॉब्लम बच्चों को आ सकती है, वो उनके मन में डर है कि जैसे उसको हम डर ही कह सकते हैं जब तक पॉजिटिव नहीं होता है एहतियात के तौर पर, उन्होंने ये पक्ष रखा है, इसको आप कौन सी दृष्टि से देखते हो? देखो, डर तो है, डर हमें भी है, आपको भी है, सबको है। अब काम आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी लोग हम काम तो कर ही रहे हैं डर के साथ, प्रिकॉशंस लेकर, वही एग्जाम में होना चाहिए। अच्छा, जो आपने अभी कहा कि एक बार एक प्रश्न मेरे जहन में और भी आ रहा है और पेरेंट्स के मन में भी आ रहा है, जैसे उन्होंने सीबीएसई एक सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला देता है कि इंटरनल असेसमेंट के जरिए आप नंबर लगा दीजिए, परीक्षा रद्द कर दीजिए, तो आपको नहीं लगता है कुछ बच्चे सेकेंड टर्म में वीक होते हैं, फाइनल में आके वो नंबर ज़्यादा ले सकते हैं, उन पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, वही मैं कह रहा हूँ, जो उनकी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, जो वीक बच्चे हैं उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, और जो बच्चे टॉप लेवल क्रीम बच्चे हैं जिनके 95% 98% आने हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर वो कहते हैं परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, तब भी बच्चों को तो दोनों पक्ष में ही नुकसान है, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं होती हैं तब उनके जो असेसमेंट, पहले तो असेसमेंट क्राइटेरिया एक बार अगर स्पष्ट हो जाए तो शायद बच्चे और पेरेंट्स फैसला लेने में उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि क्या फैसला है, क्योंकि उन्होंने मेथोडोलॉजी असेसमेंट मेथोडोलॉजी नहीं रिलीज़ कर रहे हो। मैम, जैसे आपने असेसमेंट की बात की है, तो मैडम आप टीचर रहे हो यहाँ पर, स्कूल्स में बच्चे इंटेलिजेंट भी होते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकंड टर्म में इतने मेहनत नहीं करते, वो फाइनल में मेहनत करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर सीबीएसई ने ये पैटर्न किया कि इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही हमें मार्क्स दिए जाएँ, तो वो बच्चे जो पेपर अच्छा कर सकते हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्री बोर्ड को हम फाइनल बोर्ड, तभी उसका नाम प्री बोर्ड है, तो इसलिए जो इंटरनल असेसमेंट में वो बच्चा बहुत नुकसान में रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 7-8 पेपरों में से 3-4 तैयार कर लेते हैं, 3-4 वो 2 महीने बाद तैयार करते हैं, तो इस उसमें उन बच्चों के लिए बहुत मतलब उनके लिए बहुत नुकसान होगा कि अगर हम ये कल को ये 10th के मार्क्स बच्चों को हर जगह कैरी करने पड़ते हैं, अगर कम्पेटिटिव वर्ल्ड में जाना है, कल को बच्चे ने अब्रॉड जाना है, कहीं भी कंपटीशन में देना, तो ये मार्क्स उनके साथ साथ चलते हैं हर जगह पे। तो इस पक्ष में इस सेशन के बच्चों के लिए ये बहुत कष्टदायक समय। मैडम, अगर ये फैसला ये आता है कि एग्ज़ाम हो, तो उस स्थिति में अगर देखा है तो पेरेंट्स अभिभावक, अगर आपका आपका खुद का ही बच्चा हो जब जाते होंगे, तो अंदर से एक खौफ होता है, उस स्थिति में आपको कौन सी दृष्टि से पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स कह रहा हूँ कि आप किस दृष्टि से देखोगे कि उस फैसले को? एज अ कोइंसिडेंस मेरा बच्चा आईसीएसई बोर्ड के 10th के पेपर में, अभी उसके 4 पेपर परीक्षाएँ रहती हैं, तो मैं खुद नहीं फैसला कर पा रही हूँ कि मैं बच्चे को अगर कहती हूँ कि पेपर देने जाओ, तो अंदर से एक जो माँ है ना वो रोकती है कि नहीं, मेरे बच्चे को पेपर देने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि
चाहे सारी सावधानियां बरत लें, कोई एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया तो एक लाइफ की बात है। और आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो एक स्कूल नहीं है, एक स्पिरिचुअलिज्म का भी सेंटर है और बिंदो स्कूल है यहाँ पर सेक्टर 27 में। और हमारे बीच में वहाँ के प्रिंसिपल गरिमा भारद्वाज हैं। गरिमा भारद्वाज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। जैसे आपको पता ही COVID-19 ने पूरे विश्व में एक कहर बरपाया हुआ है, उसको देखते हुए अरबिंदो स्कूल ने क्या अपनी यानी पॉलिसीज बच्चों को लेकर बनाई है? जैसे अदर स्कूल्स ऑनलाइन भी क्लासें लगा रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। श्री अरबिंदो स्कूल ने शुरुआत से ही, मार्च एंड से ही, बच्चों की एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। सी, ये जो टाइम है बच्चों का, ये जो एज है बच्चों की, ये बहुत ही नाजुक एज है, उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो हमारा पूरा एफर्ट ऐसे था कि किस तरह से एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए जिसमें कि बच्चे आराम से अपने घर बैठे बैठे भी अपनी पढ़ाई कर सकें, किसी भी हालत में बच्चों का नुकसान नहीं हो, एट द सेम टाइम ऑनलाइन एजुकेशन से उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं आए, प्लस टीचर्स जो हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो बच्चे रोज़ के रोज़ टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट कर पाए, उसके लिए हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरुआत कर दी। प्यारे भाई बहनों, मुद्दा चर्चा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, और आज हम जो आप, जैसे आपको पता है कि हम ज्वलंत मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ज्वलंत मुद्दा ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि 12वीं की परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, ये कल सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है। और आज हम खड़े हैं ट्रिब्यून मॉडल स्कूल में और वहाँ की प्रिंसिपल मैडम है हमारे बीच में, श्रीमती वंदना सक्सेना जी। मैडम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं फील क्या करती हूँ। देखिए, आजकल कोविड का समय ये ऐसा आ गया है कि हमारे आसपास डर ही डर है, फियर ही फियर है। अब 12वीं क्लास के बच्चों को ये डर है, पता नहीं क्या फैसला होगा कल। हाँ मैडम, उसी बारे में, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कल फैसला आ रहा है 12वीं क्लास की परीक्षाओं को लेकर, उसको आप किस दृष्टि से देखते हो कि परीक्षाएं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी सिक्योरिटी के आगे कुछ भी नहीं वैल्यू रखता। तो मेरे हिसाब से अगर 12वीं क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। ये डिसीजन बिकॉज ये बड़े शहरों में करना, क्योंकि ये तो ऐसा है नहीं कि कुछ शहरों में हो जाएगा और बाकी रिमोट विलेजेस में नहीं होगा, जो भी डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो हमारे स्कूल में आजकल जो हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम सिस्टम्स बना भी देंगे, हम यहाँ पे मार्क भी कर देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त है कि हर एक इंसान में अंदर से एक सेल्फ डिसिप्लिन की भावना, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और श्रीमती वंदना सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अर्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार अपने दर्शकों को रखे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समय हमें ज़रूरी है कि सभी की बात को सुनना, पेरेंट्स की बात को सुनना, प्रिंसिपल्स की बात को सुनना, आपस में एक दूसरे की बात को सुनना। जब हम एक दूसरे को सुनेंगे और एक दूसरे के दर्द को महसूस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो डर और शक वो चला जाएगा। तो भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपने कैमरामैन राहुल तिवारी और दीपक के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।